सेंस में लाइफ कैसी है जब आपने ज्वाइन किया, तो आपकी जॉइनिंग कहाँ आई एंड हाउ डिड यू फील दैट टाइम अबाउट द सर्विस? डिफेंस की लाइफ बड़ी एक्साइटिंग, चैलेंजिंग और एक ऐसी जिंदगी है जो शायद इंडियन आर्मी को छोड़ के कहीं और नहीं मिल सकती। जो सपने हमने एज अ यंगस्टर देखे थे वो सभी पूरे हुए और बहुत ज्यादा। सो यंग ऑफिसर की तरह जो जिंदगी जीने का जज्बा मुझ में था वो मैंने भरपूर जिया। हमने सारे स्पोर्ट्स खेले, बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज करी, पहाड़ियां चढ़ी, नदियों के बगल में दौड़े, शैतानियां भी करी, सजा भी खाई। लेकिन व्हाट मेक्स मी मोस्ट सैटिस्फाइड इज दिस कि इंडियन आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप ट्रूप्स को लीड कर रहे हैं कंधे से कंधा मिला के। सो आप ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, आप उनको मैसेज दे रहे हैं और उनके साथ वो चीज कर रहे हैं उनसे बेहतर। ये जो परिश्रम, मेहनत और जो जज्बा है ये इंडियन आर्मी में ही पॉसिबल है और कहीं नहीं। सो लाइफ इज वेरी वेरी एडवेंचरस। आफ्टर माय कमिशनिंग फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आफ्टर अ 3 ईयर टेन्योर इन इंडिया एंड 1 ईयर रिटायरमेंट, आई वेंट टू त्रिपुरा जहां पे हमारी यूनिट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में डिप्लॉयड थी। एज अ यंगस्टर मेरा काम था इंटेलिजेंस गैदर करना, मिलिटेंट्स और जो आतंकवादी हैं उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, इंफॉर्मेशन निकालना, उनके ऑपरेशंस को सक्सेसफुल नहीं होने देना और हमारे ऑपरेशन से उनको पकड़ना या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। ये एज अ यंग ऑफिसर इट वॉज वेरी वेरी एक्साइटिंग, चैलेंजिंग। हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जंगलों में घूमते थे, इंफॉर्मेशन लाते थे और इतना भय क्रिएट करके रखते थे उग्रवादियों और नक्सलवादियों के मन में कि शायद उनकी किसी भी सिविलियन एरिया के पास पहुंचने की या किसी हिंदुस्तानी को हार्म करने की हिम्मत ना हो। सो दोज डेज वर वेरी एक्साइटिंग। शाम को जवानों के साथ बैठ के खाना खाते थे, रात को गश्त करते थे और सुबह कम नींद वाली भरी आंखों से उठते थे नया सूरज देखते हुए, एक नए दिन का इंतजार करते हुए। सो दोज डेज वर वेरी चैलेंजिंग, वेरी एक्साइटिंग एंड आई स्टिल रिमेंबर देम आफ्टर 20 इयर्स। वेरी हैप्पी।